मैथ्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन मैथ्स के पेपर में आप सभी को एक डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है, वो यह कि मैथ्स के पेपर को आप सभी समय से कैसे सॉल्व करें, क्योंकि उसके कई सारे रीजन हैं। क्योंकि मैथ्स के पेपर में आपको टफ एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करनी पड़ती है, जिसमें आपका बहुत ज्यादा समय जाता है। अगर आप सही रणनीति के साथ, सही स्ट्रेटेजी के साथ पेपर को अटेम्प्ट नहीं करते हैं, तो आपका पेपर कहीं ना कहीं जरूर छूटता है। और खासकर दिक्कत आपको तब होती है जब आपका आता हुआ क्वेश्चन आपसे छूट जाता है, तो आप सभी एग्जाम से निकलने के बाद बहुत निराश हो जाते हो। तो आज हम जानेंगे कि किन बातों का आप ध्यान रखें, जिससे कि आप अपने पेपर को सही समय पर सही स्ट्रेटेजी के साथ खत्म करें। तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल एपीएन क्लासेस में, और मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूँ आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अहम वीडियो में। सबसे पहले जान लीजिए कि आपको एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में और क्वेश्चन पेपर के डिजाइन के बारे में आपको पता होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि किस तरह से एग्जामिनेशन का पैटर्न है, कितना समय आपको दिया जा रहा है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, ये आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आप क्या करो कि मार्क्स का देख लो, किस तरह से मार्क्स का डिवीजन किया गया है, क्या क्या चीजें आपको पेपर में दी गई है, जिससे कि आपको पेपर का स्ट्रक्चर समझने में दिक्कत ना हो, तभी आप आगे की स्ट्रेटेजी बना करके पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। दूसरी बात, जब आप पेपर को देने जाएं, तो पेपर को देने से पहले सबसे पहले ये चेक कर लें कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं, कौन से शॉर्ट टाइप हैं, कौन से लॉन्ग टाइप हैं, कौन से वेरी शॉर्ट हैं, कौन से वैल्यू बेस्ड हैं, कौन से केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये सारी बातें और नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इनका मार्क्स कितने मार्क्स में इनको डिवाइड किया गया है, इनको आपको समझना होगा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, क्लास 10th के सीबीएसई के पेपर में आपको 36 क्वेश्चन मिलते हैं। इसमें आपके 1 से 20 तक आपके 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, 21 से 26 आपके 2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, 27 से 33 के आपके 3 मार्क्स के होते हैं, इसी तरह 34 से 36 आपके 5 मार्क्स के होते हैं। तो आपको करना यह है कि 36 क्वेश्चन को 180 मिनट 3 घंटे में आपको सॉल्व करना है। इसीलिए आपको टाइम डिवीजन करने के लिए कहा जाता है कि आप क्या करो, सभी क्वेश्चन को सही समय पर कर पाओ। मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर टाइम डिवीजन देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए 1 मार्क के आपके 20 क्वेश्चन है, तो इसके लिए आप 50 मिनट्स रख लीजिए। तो आप ये मान के चलिए कि मैं लगभग 2 से 2.5 मिनट में इन क्वेश्चंस को मैं कर लूंगा। जो आपके 2 मार्क से क्वेश्चन है, जो 6 क्वेश्चंस हैं, उनके लिए आप 30 मिनट्स रखिए। इसके बाद आपके 3 मार्क से क्वेश्चन है, जो 7 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, उनके लिए आप 40 मिनट्स रखिए। 4 मार्क्स के जो 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनके लिए 40 मिनट्स रखिए। और 5 वाले जो क्वेश्चंस हैं, उनके लिए आप समय बचाइए। तो होगा क्या कि आपके पास कहीं ना कहीं 10-20 मिनट एक्स्ट्रा बचेंगे। अब इस 10-20 मिनट में आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया है या जो कैलकुलेशन आपकी छूट गई है, उनको आप अटेम्प्ट कर डालिए। क्योंकि आपको पता है बोर्ड एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ जो आपको 15 मिनट स्टार्टिंग के मिलते हैं, उनको आप अपने एग्जाम की रणनीति बनाने के लिए इस्तेमाल करिए। कहने का मतलब, जब आपको पेपर मिले तो आप पेपर का डिवीजन करिए 3 पार्ट में, इजी, मैनेजेबल और टफ क्वेश्चंस। ऐसा मतलब कि जो क्वेश्चन बहुत आसान है, पहले उनसे स्टार्ट करें, उनको आप कितने समय में सॉल्व कर देंगे, और वो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आपको इजी लग रहे हैं। फिर ऐसे क्वेश्चंस को रखिए जो थोड़े से ट्रिकी हैं, जो मैनेजेबल आप कर सकते हैं थोड़ा दिमाग लगा करके। इसके बाद टफ क्वेश्चंस को रखिए। तो आपको करना यह है कि आप बहुत ज्यादा घबराए नहीं, उन 15 मिनट में सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजी बना लें कि मैं पूरे पेपर में, मैं अगले 3 घंटे में ये काम करने वाला हूं, इस तरह से मेरी रणनीति रहेगी, इस तरह से मैं आगे बढ़ूंगा। और अगली बात जो आपको ध्यान रखना है कि आप लोग किसी भी टफ और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को देख करके घबराइए मत। ऐसा सोचिए कि जो आपका प्रॉब्लम है, ये आपको क्या करेगी, खाली केवल प्रॉब्लम देगी। इसलिए आसान आसान प्रश्नों को पहले करने का प्रयास करें। तो आप इनको कर लेंगे तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने ऊपर खुद ही आएगा, और यही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को इजी बनाएगा। तो इसीलिए आपको ये बातें ध्यान रखनी है। और मैं आपको बता दूं, हर क्वेश्चन का मीनिंग समझिए, अंडरस्टैंड द वर्थ ऑफ ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन का समझिए कि इसमें कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में 1 मार्क मिलने वाला है, तो ऐसा मत करिएगा कि बहुत ज्यादा समय उसमें लगाने लगिए। ये आप करेंगे तो आपका केवल टाइम वेस्ट होगा। इन चीजों से बचिए। अगर 2 मार्क का है तो केवल उतना ही समय दीजिए जितना 1-2 मार्क का क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है, नहीं तो आप किसी और क्वेश्चन का समय दूसरे क्वेश्चन में लगाएंगे। प्रॉब्लम आपको तब होगी जब आपका लॉन्ग क्वेश्चन छूट जाएगा। तो इसलिए अगर छोटा क्वेश्चन है, नहीं आ रहा है, तो अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़िए। जब आपका समय मिलेगा आपको, तो बाद में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, बाद में उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। और हमेशा मैथ्स के पेपर में स्पीड और एक्यूरेसी, इसको आपको ध्यान रखना है। दोनों में कंफ्यूज मत होइए।
आप करिए क्या, स्पीड कैसे आएगी जब आप कुछ कैलकुलेशन ट्रिक्स आप थोड़े से लगाएंगे, कैलकुलेशन को थोड़ा अच्छे तरीके से करेंगे जो आपकी प्रीसेस टाइम को बचाएगा। जैसे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप मन में मल्टीप्लाई करके आंसर लिखिए, डिवाइड कर रहे हैं तो इस तरह से कर लीजिए। कहने का मतलब जितना शॉर्ट आप कैलकुलेशन कर पाते हैं करिए, नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगी, बहुत ज्यादा आपका समय लेगी। इनसे इन चीजों से आपको बचना है। और एक बात और बता दूं कि आप देखिए, जब भी आप किसी क्वेश्चन को करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि आप जब एक क्वेश्चन पेपर में रफ कॉपी में सॉल्व कर रहे हैं, रफ में कहीं कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उसको कॉपी करने में मत गलती करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं कैलकुलेशन में सही आता है और लिखकर कुछ और चले आते हैं। तो इनको आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ अब बात करते हैं टाइम की, जो आखिरी टिप है वो यही है कि आपको समय का बहुत ध्यान रखना है। ये मत देखिएगा कि जैसे मान लीजिए आप क्या कर सकते हैं कि हर आधे घंटे पे, हर एक घंटे पे आप ये चेक करते रहिए कि क्या आपने जो टाइम अलॉट किया था जो अपने 15 मिनट के स्ट्रेटेजी में, क्या आप उस तरह से चल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं चल रहे हैं तो आपको थोड़ा सा देखना होगा, नहीं तो क्या होगा कि आप घबरा जाएंगे और पेपर क्वेश्चन आपकी छूट जाएगी। देखिए तो इसीलिए आपको करना ये है कि आप टाइम के साथ साथ प्रॉपर वे में एक सही स्ट्रैटेजी के साथ चलिए, जिससे कि आपका हार्ड वर्क आपको पे ऑफ करेगा और आपको आपके एग्जाम में सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों यही कुछ बातें थी जो आपको मैथ्स के पेपर में ध्यान रखनी है। मुझे उम्मीद है कि ये बातों का आप ध्यान रखोगे और मैथ्स के एग्जाम में अच्छा करोगे। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा वीडियो कमेंट करें, अपने व्यूज को जरूर शेयर करें। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ चीयरफुल डे।